यूपी में बेखौफ है बदमाश, आधी किलोमीटर पर थी पुलिस, फिर भी बदमाशों ने लूटा बैंक, खाली किया बैंक का खजाना, 15 मिनट में लाखों की लूट, तीसरी आंख में कैद हुई पूरी वारदात, हाथों में हथियार लिए बेखौफ लुटेरे। ये है बिजनौर ग्रामीण बैंक। बैंक में 5 नकाबपोश बदमाश हथियारों से लैस होकर दाखिल होते हैं, तभी तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे में हलचल शुरू हो जाती है। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें बयां कर रही है कि बदमाशों को किसी का खौफ नहीं है। कैमरे में 4 नकाबपोश बदमाश हथियार लहराते हुए ग्रामीण बैंक में दाखिल होते हैं, पहले बैंक में काम कर रहे कर्मचारियों से मारपीट करते हैं, उसका दूसरा साथी खजाने की ओर जाता है और बैंक में रखे रुपए लेने में कामयाब हो जाता है। आप इस कैमरे में साफ देख सकते हैं कि कैसे 4 बदमाश हथियार के बल पर बैंक कर्मियों को मजबूर कर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सिर्फ 15 मिनट में बैंक में रखा माल साफ, इस वारदात को 5 बदमाशों ने दिया अंजाम। एक साथी बैंक के बाहर सारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। बैंक में क्या हुआ, आइए सुनते हैं उस वक्त मौजूद बैंक कर्मचारी की दास्तां। क्योंकि 4 जने एकदम अंदर से आए और उन्होंने पहले मुझे पकड़ लिया, फिर उसके बाद मैनेजर साहब को पकड़ा। मैनेजर साहब ने रौल मचाने की वजह से कैशियर साहब उठ के अंदर बंद हो गए थे। बिजनौर में अपराधी के हौसले कितने बुलंद हैं आपने सुना, लेकिन सिर्फ चंद कदमों पर पुलिस चौकी होने के बाद दिन दहाड़े बैंक में डकैती होती है और प्रशासन को भनक तक नहीं लगती। बैंक लूट जाने के बाद पुलिस अब सुरक्षा देने की बात कर रही है, इससे पहले बैंक ने एक भी सुरक्षा गार्ड नहीं रखा था। लगभग 11 बजे बैंक खुला तो 4 लड़के स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से बैंक के अंदर घुस आए। इस बैंक में सिर्फ 3 कर्मी थे, मैनेजर, कैशियर और एक स्वीपर। आकर के उन्होंने मैनेजर को कवर कर लिया और उसके सर पे तमंचे के बट से चोट मारी और कैश बॉक्स उठा करके जिसमें 3,57,000 रुपये नकद थे उसको ले गए। बहुत ही छोटी अवधि में काम किया और उसको जैसे ही इसकी सूचना मिली तत्काल शहर के चारों तरफ घेराबंदी करा दी गई है। नेबरिंग जनपदों में भी उनके खुलिए और गाड़ी के विषय में बताया गया है और बदमाशों को पकड़ने के समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। जब बैंक लुट गई तब पुलिस जाग रही है। अब बैंक प्रबंधन को गार्ड रखने की याद आ रही है। पिछले 1 हफ्ते में बिजनौर में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया, लेकिन अब तक पुलिस नाकामयाब रही है। अब सवाल ये उठता है कि सीसीटीवी में कैद लुटेरों को पुलिस पकड़ पाएगी या फिर खाली हाथ रह जाएगी। बिजनौर से रोहित त्रिपाठी की रिपोर्ट।